नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखे होंगे कि सोने चांदी की अंगूठी के साथ कछुए वाली अंगूठी को भी पहने हुए। दोस्तों, अक्सर लोग उंगली में चांदी की धातु से बनी कछुए वाली अंगूठी पहनते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि कछुए वाली अंगूठी कब और किन लोगों को पहनना चाहिए। दोस्तों, कछुए वाली अंगूठी पहनने से कहते हैं जीवन में चल रही सभी बाधा से मुक्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति को जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस अंगूठी के बारे में काफी सारी शास्त्रों में भी बताया गया है और पुराने जमाने के लोग भी कछुए की छाप वाली अंगूठी पहनते थे। दोस्तों, कछुए जो है वह माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। आप खुद सोचिए कि जहाँ पर माँ लक्ष्मी होगा वहाँ पर कभी धन दौलत की कमी होगी नहीं ना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों की कछुए वाली अंगूठी कब और क्यों पहनना चाहिए और किन लोगों को पहनना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहली बात, कछुआ अंगूठी पहनते समय करें इन नियमों का पालन। कछुआ की अंगूठी पहनते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर ज्योतिष के हिसाब से कछुए की अंगूठी को पहना जाए तो ये धन संपत्ति के नए रास्ते खोल देती है। वास्तु कहता है कि अगर जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव हो, पैसों की कमी हो, अशांति और अशुभ हो रहा हो तो कछुआ अंगूठी पहनने से जीवन में अच्छे बदलाव आने लगते हैं। कछुआ अंगूठी को पहनते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, किस दिन पहने अंगूठी। दोस्तों, कछुए का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है, इसलिए इस अंगूठी को शुक्रवार के दिन पहनना ही अच्छा रहेगा। ज्यादातर लोग बिना जानकारी के अंगूठी धारण कर लेते हैं जिनके वजह से उन्हें दुष्प्रभाव भी भोगने पड़ते हैं, इसलिए पूरी जानकारी के साथ ही किसी काम को करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, चांदी में बनवाए कछुए की अंगूठी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कछुए की अंगूठी सोने में नहीं चांदी में बनवानी चाहिए। दोस्तों, चौथी बात, कछुए की अंगूठी को कैसे पहने। कछुए की अंगूठी धारण करने से पहले गाय के कच्चे दूध में डालकर फिर उसे गंगाजल से शुद्ध करें। इसके बाद इसे माँ लक्ष्मी के सामने रख कर इसकी पूजा करने के बाद श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद इसे धारण करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पांचवी बात, किस उंगली में पहने अंगूठी। कछुआ अंगूठी पहनते वक्त सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कछुए का मुंह आपकी ओर होना चाहिए। इससे इंसान आपकी ओर आकर्षित होता है और घर परिवार में धन सुख संपत्ति आएगी। अंगूठी को सीधे हाथ के बीच वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली या फिर साथ वाली तर्जनी उंगली में ही पहने, इसे किसी और उंगली में ना पहने। इस बात का ध्यान रखें कि कछुए का मुंह अगर आपके चेहरे की विपरीत दिशा में हुआ तो यह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है क्योंकि इससे धन आने की बजाय जाने लगेगा। दोस्तों, छठवीं बात, अंगूठी के साथ ना खेले। अगर आपने इसे पहना हुआ है तो इसके साथ खेले नहीं या फिर इसे खेल खेल में घुमाने से बचें। अगर इसका मुंह विपरीत दिशा में घूम गया तो आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, सातवीं बात, इस राशि के लोग ना पहने कछुआ अंगूठी। ज्योतिष के अनुसार कर्क, मेष, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को कछुए के आकार की अंगूठी बिना ज्योतिषीय सलाह के नहीं पहननी चाहिए। दरअसल ये राष्ट्रीय जल तत्व से संबंध रखती है। ज्योतिष के मुताबिक इन राशियों के लोग अगर कछुआ अंगूठी पहनेंगे तो वह दोष के शिकार हो सकते हैं, जिससे उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। आपकी वजह से किसी का भला हो सकता है।